यस सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के प्रेजेंटेशन में, और थैंक यू कमलेश जी मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए। यस दोस्तों, आज आज की शाम एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम देखेंगे, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं मैं सारे लोगों का आज के प्रेजेंटेशन में वेलकम करता हूँ। और आप अगर कंफर्टेबल हो तो आपकी वीडियो ऑन कर सकते हो, अदरवाइज बंद रखोगे तो बेहतर है, आपको वॉइस क्लियरिटी अच्छी आएगी। और साथ साथ अगर आपके पास एक डायरी और पेन लेके बैठे हो तो वो आपके लिए सही होगा, कि प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आपको कोई टॉपिक या कोई पॉइंट अच्छा लगता है तो आप नोट डाउन करके रखिए, और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उनके साथ में आप शेयर कर सकते हो। यस, और 30 to 40 minutes का प्रेजेंटेशन है, तो अगर आप चाय कॉफी लेके बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो, रिलैक्स बैठ सकते हो और इस प्रेजेंटेशन का आनंद ले सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन को। यस, मेरे बारे में कमलेश जी ने थोड़ा आपको बताया, लेकिन और जानकारी देना चाहूंगा। मेरा नाम है संदीप कोठवाल, मिसेस योगिता के साथ में बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और दोस्तों, बाय प्रोफेशन में मल्टी बिजनेसेस कर रहा था, और मेरी वाइफ जो है गवर्नमेंट जॉब में है, तो दोनों भी बहुत ही पैशनेटली इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और दोस्तों, जो मैं प्रोफेशन में था और मेरी वाइफ भी आज गवर्नमेंट जॉब में है, तो क्या हो रहा था, जो सपने थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। जरूरतें पूरी हो रही थी लेकिन जो सपने थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। इसके लिए एक कुछ एडिशनल सोर्स में भी ढूंढ रहा था, और यस ये सोर्स मेरे सामने आया, तो वही आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, आज आप जो भी कर रहे हो उसके साथ में कुछ करना चाहते हो, मतलब आप ओपन माइंडेड हो, लेकिन जो भी आप कुछ करना चाहते हो उसके पीछे रीजन क्या होगा। आपके मन में कोई भी स्टार्टअप करते हैं नया काम, तब दो ही सवाल होते हैं, एक होता है उस काम को क्यों करना है और इस काम को कैसे किया जाए, ये दो ही सवाल हमारे मन में होते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका रीजन फाइंड आउट करें, तो आपका वाई अगर क्लियर होगा तो डेफिनेटली हाउ एकदम सिंपल है, आप कैसे भी उसको हासिल कर सकते हो। सोचिए ना, एक दीवार है, अभी मैंने आपको कह दिया कि ये दीवार तोड़नी, तो कितने लोग तैयार है वो दीवार तोड़ने के लिए। यस दोस्तों, मैंने बोल दिया और आपने तोड़ दिया, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्या है कि उस जो भी हम काम करेंगे उसके पीछे वजह पता होनी चाहिए, तभी आप उस काम को कर सकेंगे। और मैंने अगर बोल दिया कि जो दीवार है वो दीवार के पीछे 1 करोड़ रुपए रखा है, तो मेरा सेंटेंस भी पूरा नहीं होगा और आप दीवार तोड़ चुके होंगे। मतलब क्या है दोस्तों इसका, जब तक आपकी उसकी वजह नहीं पता होगी। यही है दोस्तों कि आज आप जो भी प्रेजेंटेशन देखने वाले हो इसको फोकसफुली देखिए, 30 to 40 minutes कॉन्सेंट्रेट देकर अगर देखते हो तो इतना मैं गारंटी देता हूं कि ये प्रेजेंटेशन आपकी जिंदगी बदल सकता है। यस, क्या जिंदगी बदलना चाहते हो? अगर आंसर हाँ है दोस्तों तो पूरा प्रेजेंटेशन देखना। यस, मैं अभी शुरुआत करता हूं। जैसे देखिए कि वाई, मेरे बारे में भी ये मैंने कहा कि मैं प्रोफेशन से खुश नहीं था, मेरे जो प्रोफेशन का इनकम आ रहा था उसमें मैं खुश नहीं था। तो मेरे जो सपने थे, पहला सपना था कि फाइनेंशियली फ्रीडम पाना, तो अनलिमिटेड पैसा मैं मेरे लाइफ में चाहता था लेकिन वो मिल नहीं रहा था दोस्तों। इसके लिए मैं और कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। क्या आप भी ऐसे ही कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? सही जगह पर आज आए हो। दूसरा दोस्तों, हर कोई चाहता है अपना घर बड़ा हो। आज अगर 1 BHK में हम रह रहे तो चाहते हैं कि 2 BHK में जाए, 3 BHK में जाए। और यस डेफिनेटली, बड़ा घर किसको नहीं चाहिए। आप अगर फ्लैट सिस्टम में रह रहे हो तो आप बंगलो सिस्टम में जाना चाहते हो। यस, लग्जरियस कार चलाना हर किसी का सपना है, बराबर है? तो लग्जरियस कार का भी आपका सपना हो सकता है, फॉरेन ट्रिप्स करने का सपना हो सकता है। आज की पैंडेमिक, ये पैंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, और सभी लोग इम्यूनिटी के ऊपर बात करने लगे। यस, मेरे साथ साथ मेरे फैमिली की अच्छी सेहत रहे, ये एक मेरा सपना है। उसके साथ रिकॉग्निशन, यस दोस्तों, मान सम्मान पाना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन में कभी मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, बराबर? तो रिकॉग्निशन एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए भी हो सकता है। अगर किसी का सपना है रिकॉग्निशन का, तो रिकॉग्निशन भी आपके लिए हो सकता है। उसके साथ साथ मेरी वाइफ का जॉब फ्रीडम, क्योंकि उसका टाइम मुझे एंजॉय करना, हमारे बच्चों को वो टाइम देना। यस, टाइम फ्रीडम चाहिए, और साथ साथ एक सिक्योरिटी, बच्चों को अच्छी शिक्षा, ये सारे मेरे सपने हैं। मैं आपको भी कहूंगा कि आपके भी आज जो आप प्रोफेशन कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो इसमें से एक भी वजह अगर आपकी है तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। क्यों? क्योंकि हाउ एकदम सिंपल है, लेकिन वाई आपका क्लियर होना चाहिए।
थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए मार्केट का स्टडी करते हैं। आज मार्केट में आज अमर्त्य सिंह जैसे हमारे इंडिया में फिलोसोफर होके गए कि उन्होंने एक स्टडी किया था और वो स्टडी के ऊपर उनको नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों। तो नोबेल प्राइज मिलने का जो उनका रीजन है वो क्या था कि उन्होंने जो स्टडी किया था, उनका स्टडी देखिए 1940 में उन्होंने स्टडी किया था कि 10 रुपए में घर चलता था और फैमिली साइज थी 20 लोगों की। यस दोस्तों, 1940 में एक फैमिली का इनकम जो होता था 10 रुपए के आसपास होता था और फैमिली साइज 20 लोगों की थी और वो सर्वाइव कर पाते थे। 20 साल के बाद क्या हुआ, 20 साल के बाद अगर आप देखते हो तो 1960 में ये इनकम 100 रुपए तक चला गया था। एवरेज इनकम हर फैमिली की 100 रुपए के आसपास होती थी और फैमिली साइज छोटी हो गई, 10-15 लोगों की हो गई। 20 साल के बाद और क्या हुआ, 1980 में जैसे ही 20 साल गए उन्होंने वो स्टडी किया कि 1000 रुपए के आसपास सबकी सैलरी थी, किसी की 900, किसी की 1100। और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के बर्थ ईयर रहेंगे तो उनको पता है कि बचपन में इतने रुपए में तो पूरा घर चलता था और 8 से 10 लोगों की फैमिली थी, मतलब ज्वाइंट फैमिली, बराबर। 20 साल के बाद क्या हुआ, जो गुजर गया वो पल के बारे में देखते हैं कि 2000 साल में क्या हुआ था। उस टाइम पे जैसे आज पीछे 1-1 0 बढ़ते आ रहा है वैसे ही 1 0 बढ़ा और 10,000 एक एवरेज इनकम हो गई। यस दोस्तों, 10,000 एक एवरेज इनकम बन गई और फैमिली साइज थी वो 4 से 6 लोगों की। और अभी का जो दौर चल रहा है 2020 दोस्तों, इसके ऊपर और 1 0 बढ़ गया और 2020 में हम देख रहे हैं कि घर सर्वाइव करने के लिए एवरेज इनकम 1 लाख रुपए के आसपास चाहिए। क्या आप मानते हो, आज के डेट में अगर अच्छे से सर्वाइव करना है हमें, लाइफस्टाइल सब कुछ चाहिए तो 1 लाख रुपए के आसपास घर घर में इनकम आना चाहिए। यस, और फैमिली साइज देखते हैं तो 3 से 4 लोगों की है। ये बदलाव हो रहे दोस्तों और यही सर्वे किया था अपने इंडियन इकोनॉमिस्ट है अमर्त्य सेन जी और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और आगे चलते हैं 2040 में क्या होने वाला है। 2040 में जैसे ये इतने सालों से अगर चलता आ रहा है तो डेफिनेटली आगे भी वैसे ही चलेगा। तो 2040 में और 1 0 बढ़ेगा हमारे इनकम के ऊपर, तो मतलब 10 लाख रुपए हमारी इनकम होनी चाहिए और फैमिली साइज 3 से 4 लोगों की रहेगी उस टाइम पे, 2 से 3 लोगों की भी हो सकती है, हम दो हमारा एक। यस, तो ये सोचना है हमें कि आगे चल के क्या होने वाला, लेकिन फ्यूचर हम फ्यूचर में नहीं बिल्ड कर सकते, वो हमें आज बिल्ड करना हो। यस, देखिए दोस्तों, पैसा आज हम हर कोई पैसा बनाना है और पैसा बनाना है, सबका लक्ष्य एक ही है, सबका ड्रीम एक ही है कि ज्यादा पैसा बनाना। लेकिन ये पैसा जनरेट कैसा होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। ये पैसा जनरेट कैसा होता है, तो पैसा कमाने के आज आपके सामने 4 तरीके और ये तरीके मैंने नहीं रखे दोस्तों, एक रॉबर्ट कियोसाकी नाम के ऑथर है जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखा, एक किताब लिखी और साथ साथ वो फाइनेंशियल प्लानर रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप जी के, और डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ में बहुत सारे बिजनेस में वो पार्टनर भी थे। तो उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति हमें गाइड कर रहा है कि पैसा कमाने के जरिए कौन से। और दोस्तों, इसके पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप कौन से इसमें जो सोर्सेस है उसमें आप क्या बोलते हो, आप उसको कौन सा आगे रन करना चाहोगे। देखिए, पहला मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि आप एक जगह से 100% इनकम कमा रहे हो और दूसरा है कि जहां से आप 1% इनकम 100 जगह से कमा रहे हो, आपको कौन सा अच्छा लगता है, पहला वाला या दूसरा वाला। यस, आप आंसर दे सकते हो। अभी पहला वाले के लिए बात करते हैं कि पहला वाला जो है एक जगह से हमें 100 रुपए आ रहा है, मतलब 100% इनकम हमारी एक जगह से आ रही, वो सोर्स आपको अच्छा लगता है, या 1% इनकम हमें 100 जगह से आ रही। इसका जवाब ध्यान से देना दोस्तों, क्योंकि आगे जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो उसके ऊपर डिपेंड है। देखिए, पैसा कमाने का जरिया सबसे पहला है एम्प्लॉय। यस, उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, बराबर है। हम जॉब सर्च करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, पास हो गए, यस जॉब स्टार्ट हो गया, कोई गवर्नमेंट में कर रहा है, कोई प्राइवेट में कर रहा है, बराबर है। यस, दूसरा सेक्टर है दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड। ये सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में कौन कौन आते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में पहले आते हैं फार्मर्स, उसके बाद जो भी मार्केट में हम बिजनेसमैन देख रहे हैं जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं वो सभी लोग उसमें आते हैं, और बाकी आते हैं प्रोफेशनल्स, जो भी डॉक्टर्स, एडवोकेट, इंजीनियर्स है, आर्किटेक्चर्स है, ये सारी कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरा कैटेगरी है दोस्तों बिजनेस ओनर। ये बिजनेस ओनर वो लोग हैं जिनके पास हजारों से ज्यादा लोग काम करते हैं। यस दोस्तों,
जिनके पास हजारों से ज्यादा लोग काम करते हैं वो आते थर्ड सेक्टर में। और फोर्थ सेक्टर है दोस्तों इन्वेस्टर, जो पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बनाना चाहते हैं। यस, आज हम मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर देखते हैं, बिल्डर देख रहे हैं, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये चारों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? ये चारों में डिफरेंस है, हम उसको एक पार्ट करेंगे लेफ्ट और राइट में, एक डिवाइड कर दे लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, और राइट साइड में है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? सबसे पहले अगर डिफरेंस की बात करें तो प्रोडक्टिविटी। आज हमारे पास लेफ्ट साइड में जितने भी लोग हैं, आज हम जो भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये सारे लोग आते हैं लेफ्ट साइड में दोस्तों। यस, हमारे से हमारे में कोई इन्वेस्टर नहीं है या कोई बिजनेसमैन नहीं है जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। तो हम सारे लोग लेफ्ट साइड में आते हैं। यहाँ पे कोई जॉब करने वाला हो सकता है, या कोई फार्मर बैकग्राउंड से हो सकता है, या कोई बिजनेसमैन हो सकता है, बराबर। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा दोस्तों, हमारे पास टाइम कितना है। तो हर व्यक्ति के पास 24 आवर्स है। क्या आपके पास 25th आवर है? यस दोस्तों, आपके पास 25th आवर है क्या? अगर नहीं है दोस्तों, तो हमारे पास लिमिटेड समय है। और हमारी प्रोडक्टिविटी अगर देखी जाए हर व्यक्ति की, तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 घंटे हमारी प्रोडक्टिविटी है। यस, और राइट साइड में जो लोग है इन्वेस्टर से या बिजनेस ओनर से, उन्होंने क्या किया है, उनका काम वो खुद नहीं करते, वो किसी और से करवाते, और इसीलिए उनके पास लैक्स ऑफ आवर्स है। यस, ये पहला डिफरेंस है दोस्तों दोनों में। और दूसरा पैटर्न, हमारा पैटर्न जो है, हमारा इनकम बनाने का जो पैटर्न है वो कौन कैसा है? तो सेल्फ एबिलिटी डिपेंडेंट वर्क है दोस्तों हमारा। हम अगर काम करेंगे तो ही पैसा है, काम नहीं करेंगे तो पैसा जनरेट नहीं होगा, सीधी सी बात है। लेकिन राइट साइड जो भी लोग इन्वेस्टर से या बिजनेस ओनर से, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और उसके अंदर सिस्टम रन कर दिया। अभी देखिए, कोई भी कंपनी का मालिक अगर कंपनी में नहीं जा रहा है तो भी उसकी कंपनी रन होती रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे मैनेजर से, सुपरवाइजर से सभी लोग हैं, बराबर है। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि हमारे में पैटर्न जो है सेल्फ एबिलिटी, मतलब हम काम करेंगे तो पैसा है, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं है। और राइट साइड में उन्होंने एक सिस्टम जनरेट करके रखा है, वो खुद काम नहीं करेंगे तो भी उनके घर पे पैसा आता है। तीसरा डिफरेंस देखेंगे, तीसरा डिफरेंस है दोस्तों सोर्स ऑफ इनकम। हमारे घर में कितने इनकम सोर्सेस है? तो यस, जितने भी लोग आज यहाँ पे मौजूद है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 इनकम सोर्सेस आपके पास हो सकते हैं, बराबर। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3, हम हस्बैंड वाइफ दोनों अगर काम कर रहे तो 2 इनकम सोर्सेस, अगर आप और भी कुछ कर रहे हो तो 3 इनकम सोर्सेस। लेकिन राइट साइड में जितने लोग है उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस है दोस्तों, मल्टीपल इनकम सोर्सेस उन्होंने बनाए। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों कि इसीलिए हमारे पास लिमिटेड इनकम आ रही और उनके पास अनलिमिटेड इनकम आ रही। और क्या डिफरेंस है दोस्तों? और डिफरेंस देखिए, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें खुद को इतना बिजी समझते हैं कि और कोई काम करने के लिए हम ओपन माइंडेड नहीं है, क्लोज माइंडेड करके रखा है हमारे माइंड को। लेकिन राइट साइड वाले लोग फ्रीडम ऑफ चॉइस एंजॉय कर रहे हैं। आज जो सपने हम देख रहे हैं वो सपने सारे राइट साइड वाले लोगों के पूरे हो चुके हैं। आप फॉरेन ट्रिप का अगर सपना है आपका, आज तक आपने फॉरेन ट्रिप नहीं किए तो फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी वो महीने में 2-4 बार जाके आते, बराबर। आपके पास आपका अगर लग्जरी कार का सपना है तो ऑलरेडी उनके पास लग्जरी कार है। देखिए दोस्तों, यही चीज है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अगर लेफ्ट से राइट में आना है, लेफ्ट साइड मतलब यार एक्टिव इनकम और राइट साइड है मतलब पैसिव इनकम, तो अगर लेफ्ट से राइट में आना है आपको, तो सबसे पहले आपका काम करने का तरीका और सोचने का तरीका, ये 2 तरीके अगर आपने चेंज कर लिए तो आप बहुत जल्द राइट साइड में आ सकते हैं। और मैं बताऊंगा आपको कि हम राइट साइड में कैसे आ सकते हैं। नॉर्मल व्यक्ति, सर्वसाधारण मानुष कैसे लेफ्ट से राइट में आएगा? यस, देखिए, आज जो हमारे सामने पैंडेमिक है, क्या ये पैंडेमिक के पहले हमारे लाइफ में चैलेंजेस नहीं थे? ऐसा था कुछ? यस, ऑब्वियस, उस टाइम पे भी हमारे पास चैलेंजेस थे। जिसका एक्सीडेंट हो गया है उस घर पे क्या बीती है हमने देखा है, किसी की प्री मैच्योर डेथ हुई है तो उस घर पे क्या बीती वो भी हमें पता है। किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर डॉक्टर है और उसका हाथी फ्रैक्चर हुआ है तो उस फैमिली के ऊपर क्या बीती है, हेल्थ इश्यू की वजह से क्या हुआ है, और किसी को अगर नौकरी से निकाला गया है तो उनके फैमिली पे क्या बीती है, ये हम सोसाइटी में देख चुके। मतलब क्या है कि कोरोना आने के पहले भी हमारे लाइफ में चैलेंजेस थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास भी एक बैकअप प्लान होना चाहिए? यस दोस्तों, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ये कार है, हम ये कार को बोलते हैं फोर व्हीलर, लेकिन क्या उसको सच में फोर व्हील होते?
नहीं दोस्तों, इसको फिफ्थ व्हील भी होता है और उसको स्टेपनी इनकम स्टेपनी व्हील कहा जाता है, बराबर है। ये स्टेपनी व्हील देती है कंपनी, क्योंकि हमारा अगर एक पहिया रनिंग करते वक्त या हम जो भी जर्नी कर रहे हैं वो जर्नी करने वो कुछ खराबी हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसको रिप्लेस करके हमारी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या आपको लाइफ में ऐसा एक बैकअप स्टेपनी इनकम की जरूरत है? तो बने रहिए दोस्तों, हम पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और आगे चलते। सक्सेसफुल होना है, हर कोई व्यक्ति सक्सेस चाहता है लाइफ में। यस, हर कोई व्यक्ति सक्सेस चाहता है। आज अगर आप पास आउट हुए, अभी कॉलेज से पास आउट हुए, तो भी आपके सपने बहुत बड़े होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हमारी लाइफ जीना चालू करते हैं जॉब में या हमारे प्रोफेशन में बिजनेस में, तब पता चलता है कि वो सपने तो यहाँ से पूरे होने वाले नहीं है, बराबर। लेकिन आज हम एक ऐसा जरिया देखने वाले हैं जहां से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन हमें सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना होगा। देखिए, सबसे अमीर आदमी जो दुनिया में पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में आते हैं, वॉरेन बुफेट। आज वॉरेन बुफेट भी हमें बता रहे हैं कि आप एक इनकम के ऊपर निर्भर मत रहिए, हमेशा नए नए इन्वेस्टमेंट्स करते रहिए दूसरा सोर्स ढूंढने में। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे सामने आप देख रहे हो रतन टाटा है, अंबानी फैमिली है या बिरला फैमिली है, उन्होंने क्या किया? आज रतन टाटा जी का एक बिजनेस है क्या, बताइए मुझे? मल्टीपल इनकम सोर्सेस, मल्टीपल बिजनेसेस है उनके। अंबानी फैमिली, बिरला फैमिली वही कर रही है। मतलब क्या है दोस्तों, कि हमें एक इनकम के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। एक इनकम के ऊपर निर्भर रहना मतलब, अभी देखिए, अभी ये एग्जांपल में पता चलेगा। यस, यहाँ पे हर कोई लेफ्ट साइड में काम कर रहा है, तो लेफ्ट साइड में वर्क कैसे होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। आज अब आपने हर किसी व्यक्ति ने सर्कस देखी है, तो सर्कस में क्या होता है दोस्तों? सर्कस में जो भी किरदार होते हैं, जो भी काम करते हैं उस सर्कस में, ये सारे लाइव होते हैं दोस्तों, बराबर। वो खुद परफॉर्म करते हैं और वो परफॉर्म करते हैं तो उनको पैसा आ रहा है। 3 घंटे का शो होता है, हर शो में ज्यादा से ज्यादा 500 लोग होते हैं, और आप सबको पता है कि 500 लोग एट ए टाइम उस सर्कस को देखते हैं। लेकिन सर्कस वालों को अगर वापिस पैसा बनाना है तो उनको वापिस काम करना पड़ता है। यस, हम लोग भी ऐसे ही काम कर रहे हैं दोस्तों। आप अगर जॉब बिजनेस में हो तो जॉब में सैलरी पाने के लिए हमें हर महीने काम पे जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, बराबर है। लेकिन राइट साइड का एग्जांपल देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर 1 साल 2 साल लगाता है फिल्म बनाने के लिए, और 2 साल के बाद वो फिल्म रिलीज करता है, और वो रिलीज करने के वक्त एक ही समय पर 4,000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज करता है। मतलब क्या हुआ, अगर एक स्क्रीन के ऊपर 500 लोग देख रहे तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 4,000 स्क्रीन के ऊपर क्या हुआ। एट ए टाइम जब वो रिलीज करता है उस टाइम पे 20 लाख लोगों तक वो फिल्म जाती है। आप सोचिए, वो 50 रुपए पे टिकट है तो कितना पैसा वो एक ही दिन में बनाता है, सोचने वाली बात है दोस्त। लेकिन उसने क्या किया है, 1 से 2 साल अपना पैसा, अपना टाइम, सब कुछ दिया है वहां, और उसके बाद क्या? मतलब ये दोनों में डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। सर्कस, आज हम भी सर्कस में ही काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए हमें रोज काम करना पड़ रहा है। लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है, 2 साल एक काम में लग जाता है और 2 साल के बाद वो फ्री हो जाता है। क्यों? दूसरी फिल्म बनाने के लिए उसके पास टाइम बहुत है, सोचने के लिए टाइम है, सब एंजॉय करने के लिए टाइम है, क्योंकि उसने काम जो है कर दिया। क्या आप भी ऐसा कुछ काम करना चाहते हो कि काम करो एक बार पैसा बनाओ बार बार? यस दोस्तों, ऐसे ही एक सोर्स के बारे में हम देखेंगे। लेकिन समझना पड़ेगा कि देखिए, अमीर बनना है तो लेफ्ट साइड में रह के नहीं होगा, हमें बड़ा बिजनेस करना होगा। लेकिन जब भी बड़े बिजनेस की बात आती है तो सभी लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट और दूसरा आता है रिस्क, बराबर है दोस्तों। तो ये इन्वेस्टमेंट और रिस्क की वजह से हम उस बिजनेस की तरफ देखते नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा, क्या आप विदाउट इन्वेस्टमेंट पर बिजनेस करने में यकीन रखते हो? यस दोस्तों, सही सुना आपने, विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस में आप यकीन रखते हो। आज आपको ऐसे ही बिजनेस के बारे में जानकारी मिलने वाली है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन समझना होगा, सबसे पहले हमें समझना है कि रिसेशन प्रूफ बिजनेस क्यों करना है। आप सबको पता है रतन टाटा जी आज मल्टीपल उनके बिजनेसेस है। आप सोचिए, उनका ट्रक का भी बिजनेस है और उनका नमक और चाय का भी बिजनेस है। क्या ये पैंडेमिक में क्या हुआ था? ये पैंडेमिक ने, आपने देखा होगा, किसी ने ट्रक नहीं खरीदा है लेकिन हर घर में चाय और नमक तो आया है। इसका मतलब क्या है कि हमें रिसेशन प्रूफ बिजनेसेस के बारे में समझना पड़ेगा। यस, मैं समझाऊंगा आपको। और क्या है, और एक चीज है कि आज बिजनेस करने के जो कंसेप्ट है वो चेंज हो गए दोस्तों। पहले बिजनेसेस अलग तरह से होते थे लेकिन आज के बिजनेसेस अलग हो, बिजनेसेस की कंसेप्ट जो है वो चेंज हो गई। आज देखिए, जो भी आज सबसे ज्यादा अमीर है, फेसबुक के मालिक,
हर मोबाइल में फेसबुक आपको मिलेगा, लेकिन फेसबुक का मालिक वो करोड़ रुपए आप जो रुपए टॉप अर्नर में है, लेकिन वो टॉप अर्नर में कैसे पहुंचे, तो उसके पीछे रीजन है दोस्तों, वर्क ऑन रेफरल। यस दोस्तों, आप सोचिए कि आपके मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन आया कैसे। फेसबुक का मालिक या कोई उसका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हमारे गली मोहल्ले में आया, फेसबुक ले लो नहीं दोस्तों, लेकिन वो फेसबुक हमारे मोबाइल में आया, हमें पता नहीं लेकिन हमारे पास आया, क्योंकि हमने हमारे दोस्तों रिश्तेदारों को देखा यूज करते हुए, हमें अच्छा लगा और हमने उसको डाउनलोड कर लिया, हमारा डिटेल्स भर दिया, हमने स्टार्ट कर दिया एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट करना। अभी सोशल मीडिया है तो हम वहां पे एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, और यही चीज हम किसी और को भी बता रहे, अरे यार तो फेसबुक पे नहीं है, ऐसे करके हम रेफरल कर रहे हैं, और ये रेफरल की वजह से उसका बिजनेस बढ़ रहा है। आज हर कोई बिजनेस जो भी आज बुलंदी छू रहा है, ये सारे बिजनेसेस रेफरल के ऊपर रन कर रहे हैं दोस्तों। फेसबुक हो, ओला उबर हो, ओयो होटल हो, इंस्टाग्राम, और इसके पीछे हमारे एक महाराष्ट्र में एक चाय की दुकान है, लेकिन चाय की दुकान से भी उन्होंने टीम वर्क से आज बहुत बड़ा सक्सेस पाया है। यहाँ पे मैं येवले को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके कंसेप्ट को प्रमोट कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट को समझना होगा, येवले के मालिक ने पहले खुद की एक चाय की दुकान डाली, उसका वो चाय का दुकान जब चलने लगा तो उसने क्या किया, अपने भाई उनको दुकानों डालने दी, और दो तीन दुकानें उसने स्टार्ट की, और वो भी दुकानें जब चलने लगी उसको ये पता चल गया कि अभी अपना एक ब्रांड बन गया, और ब्रांड बनने के बाद उसने क्या किया, फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर दी। आज आप देखते रहोगे, महाराष्ट्र में कभी आओगे या महाराष्ट्र में आप रहते हो तो हर सिटी में आपको येवले का चाय का दुकान मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, उसने उसका सक्सेस डुप्लीकेट किया, काम कितनी बार किया, अभी उसके वो खुद काम करता रहेगा, सोचिए जरा, येवले का मालिक आज चाय बनाता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आज उसी चाय की वजह से उसके पास पैसा आ रहा है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिए दोस्तों, इसी कंसेप्ट के ऊपर आज ये बिजनेस प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा आपको, और वो कंसेप्ट के पीछे रीजन है दोस्तों, वर्ड ऑफ माउथ, माउथ पब्लिसिटी। ये माउथ का हम कैसे, ये हम कहते हैं ना चर्चा, ये चर्चा से ही बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों। एक तो हमारे लाइफ में खर्चा हो रहा है और दूसरा है चर्चा, खर्चा और चर्चा, ये दोनों को ध्यान में रखिए, क्योंकि इसी की वजह से आप एक बड़ा बिजनेस कर सकते हो। वर्ड ऑफ माउथ कैसे यूज करेंगे, आज देखिए हमारे एरिया में या हमारे सिटी में कोई नया रेस्टोरेंट स्टार्ट हो रहा है या कोई नए डॉक्टर आ रहे हैं, तो डॉक्टर तो जब स्टार्ट करते तो हर घर में जाके पूछते नहीं कि मैं आपके एरिया में हॉस्पिटल डाल रहा हूँ तो आप आएंगे कि नहीं, पूछने नहीं आते, वो डाल देते, और फिर हम जाते हैं वहां पे, हमें अच्छा रिजल्ट आए तो हम उसकी माउथ पब्लिसिटी करना स्टार्ट करते हैं, अरे ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है, इसके पास जाओगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, ऐसे करके हम माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं और वो डॉक्टर का धंधा चल पड़ता है, ये रेस्टोरेंट का धंधा चल पड़ता है, यही रीजन है दोस्तों, और इसी का हम फायदा उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ही वो उनको अमीर बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे। तो क्या अगर आपने ठान लिया तो किसी और को अगर अमीर बना सकते हो, क्या खुद अमीर नहीं बन सकते? सोच के देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया होगा जब हम इसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा मार्केट देखिए, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको एक मार्केट की सर्वे की थी, तो ये भी मार्केट का सर्वे देखिए कि आज मार्केट में 93% कंज्यूमर्स है और सिर्फ 7% सेलर्स। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ सेल्स करने के लिए बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, हमें सेल्समैन नहीं बनना है दोस्तों, मैं यहाँ पे सेल्समैन का कुछ प्रेजेंटेशन देने नहीं आया, लेकिन समझना है हमें कि आज मार्केट कैसे चल रहा है। तो मार्केट में आज अगर आप देखते हो तो 93% कंज्यूमर है और सिर्फ 7% सेलर्स। यस, बराबर है। आज रिसेशन प्रूफ बिजनेसेस कौन से है? रिसेशन प्रूफ बिजनेसेस आपने देखा होगा ये पैंडेमिक में कौन से बिजनेसेस चालू है? सिर्फ इसेंशियल और हेल्थ सेक्टर, ये दो ही सेक्टर चालू है, बाकी सब बिजनेसेस बंद है। अभी थोड़ा खुलने की आशा थी, वापिस डेल्टा प्लस आ गया दोस्तों। यस, अभी वापिस से लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शन बढ़ गए, मतलब क्या हो रहा है, अभी क्या होगा? फिर सिर्फ रिसेशन प्रूफ बिजनेस चालू रहेंगे। इसेंशियल, तो आप इसेंशियल में सबसे पहला आता है वो है FMCG दोस्तों। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जो प्रोडक्ट्स लग रहे हैं उसका अगर हम बिजनेस करते हैं तो वो कभी बंद ना होने वाला है। अगर लॉकडाउन पे है तो इसका बिजनेस तो स्टार्ट चालू है, ई कॉमर्स कह सकते हो आप। और साथ में हेल्थ एंड वेलनेस, आज हर कोई चाहता है कि इम्यूनिटी बढ़ जाए, अच्छी सेहत रहे, तो हेल्थ सेक्टर में भी हम ध्यान से दे सकते हैं। ये दोनों सेक्टर को हम क्लब करेंगे तो एक नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, आपके घर में जो भी इसेंशियल प्रोडक्ट लगते हैं, ये इसेंशियल प्रोडक्ट आपके घर में एक्सपेंस है या इनकम है? यस दोस्तों, क्योंकि इस बिजनेस में आने के पहले मेरे भी जो घर में खर्चे होते थे वो मेरे एक्सपेंसिव थे,
वहां से कुछ रिटर्न्स नहीं आ रहा, क्या आपके पास ऐसा कुछ रिटर्न्स आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो सभी का एक्सपेंसिव हो रहा है, तो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी क्यों ना देखी जाए जो एक्सपेंस को इनकम में कन्वर्ट कर दे। यस दोस्तों, आप चाहते हो कि आपके घर पे होने वाले एक्सपेंस को ही हम अगर टर्नओवर में चेंज कर दे, वो हमारी इन्वेस्टमेंट बन जाए और उसके जरिए हमारे घर में अगर इनकम आ जाए तो कैसा रहेगा दोस्तों? बहुत बढ़िया रहेगा। यस, कैसे? देखिए, आज आपके सामने यहाँ पे मैं एक मार्केट स्टडी करता हूँ, जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसको स्टडी रखा हूं। आप देखिए राइट साइड में ऊपर में देखते हो तो वहां पे कस्टमर मैंने लिखा है। हर कोई यहाँ पे, आज जितने भी लोग यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, सारे लोग कस्टमर से बराबर है। और आप कोई चीज 100 रुपए में परचेस करते हो तो क्या वो चीज मैन्युफैक्चरिंग 100 में होती है? अपने आप को पूछ के देखिए, या आपको मार्केट का पता होगा तो आप उसके बारे में सोचिए कि अगर 100 की चीज है तो वो 100 में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाता है, वो कम से कम 30-40% में वो बनाता है। लेकिन वो चीज हमारे पास आते आते 100 रुपए कॉस्ट बन जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बीच में जो लोग है वो भी पैसा बना रहे, और सबसे बड़ा मीडिया है वो है एडवर्टाइजिंग मीडिया, जो हर प्रोडक्ट की एड दिखाता है। तो वो एड दिखाने वाले कौन है? वो एड दिखाने वाले हीरो या हीरोइंस होते हैं दोस्तों। तो आपको पता है हीरो या हीरोइन एक एड का कितना पैसा लेती बराबर है? और ये पैसा किसके जेब से जा रहा है? कस्टमर के जेब से जा रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों। मैं सीधा सा एग्जाम्पल हर किसी को देता हूँ, आपको भी दूंगा। देखिए, फार्मर होते, हम सभी लोग फार्मर बैकग्राउंड से, हमारे गांव वहां पे खेती है। मैन्युफैक्चर की जगह पे खेती करने वाले को इमेजिन कीजिए और कस्टमर के जगह पे अपने आप को इमेजिन कीजिए। जो खेती करने वाला इंसान है वो कितने रुपए में मार्केट में अपना अनाज बेच रहा है, और वही अनाज हम यहाँ पे बॉम्बे पुणे या बड़े मेट्रो सिटीज में कितने रुपए में उसको परचेस कर रहे हैं? बहुत डिफरेंस है दोस्तों। क्या ये खेती करने वाले फार्मर्स आज अमीर बने? नहीं। क्या कस्टमर अमीर बने? वो भी नहीं। तो फिर अमीर बने कौन? तो अमीर बने हैं जितने भी लोग ये मीडिएटर है, ये सारे लोग अमीर बने। ये बात मेरी खुद की दुकान थी दोस्तों, किराने की, लेकिन उसमें सिर्फ पॉइंट पॉइंट पैसा मिलता था। लेकिन आज ये जितने सारे लोग है, ये सारे लोग बहुत पैसा बना रहे। और आज हम देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ई कॉमर्स बिजनेस कह सकते हो, जो आने वाला फ्यूचर है। और ये इंडस्ट्री की बात करें तो 70-80 साल पुरानी इंडस्ट्री है दोस्तों। और करीबन आज तक का टर्नओवर अगर आप देखते हो, 2020 तक का सर्वे है, 8-10 लाख करोड़ का टर्नओवर पूरे वर्ल्ड में हो चुका है। और इंडिया में ये इंडस्ट्री 30-40 साल पहले आई, और 2020 तक का इंडिया का सर्वे है 6,500 करोड़ का। और केपीएमजी की रिपोर्ट दोस्तों ये कहती है कि आने वाले 2025 तक 4 सालों में ये टर्नओवर करीबन 13-14 लाख करोड़ का होने वाला है। आप सोचिए दोस्तों, आने वाले समय में ये 4 सालों में अगर ये 13-14 लाख करोड़ का टर्नओवर बनने वाला है तो हम कितना पैसा बना सकते हैं? और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया है लीगल इंडस्ट्री करके, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है बराबर। तो आप सोचिए कि अभी इसमें से, ये इंडस्ट्री से हम कितना पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे हो रहा है डायरेक्ट सेल। आपके और मैन्युफैक्चर के बीच में कोई नहीं होगा, और ये 60-70% जो पैसा बीच वाले लोगों में बांटा जाता था, मीडिएटर लोगों में बांटा जाता था, ये सारा पैसा हम कमा सकते हैं। आज मार्केट में ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिस बिजनेस में आपको 60-70% का मार्जिन मिले। यस दोस्तों, और वहां पे, यहाँ पे हमें वो कमाने का मौका है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सिर्फ एक कंसेप्ट है, वो है चेंज द शॉप। आज आप जिस भी दुकान से या जिस भी पोर्टल से आप परचेस कर रहे हो, ऑफलाइन करते हो या ऑनलाइन जाके करते हो, तो ये हमें चेंज करना है। और ये चेंज करने के बाद क्या होगा, क्या डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा यहाँ। देखिए, आज जहां से भी आप परचेस कर रहे हो वो लेफ्ट साइड में मैंने रखा है, और आप जहां मैं बताने वाला हूं उस जगह से अगर परचेस करते हो तो क्या डिफरेंस होगा। यस, आज मार्केट में हम जहां से भी परचेस करते हैं तो आप सबको पता है कि हमें एमआरपी या कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। अगर बड़े स्टोर में जाते हो तो कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। यस, फ्री प्रोडक्ट कभी मिलते हैं दोस्तों। अगर कंपनी ने कोई ऑफर निकाले है तो ही हमें फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। रेगुलर में हमें फ्री प्रोडक्ट कभी नहीं मिलते परचेसिंग के ऊपर। तीसरा बेनिफिट देखिए, लॉयल्टी बेनिफिट। यस दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद ये वर्ड मैंने सुना है, लॉयल्टी बेनिफिट। मुझे पता है, इसके पहले पता ही नहीं था कि लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। क्या आपको पता है लॉयल्टी बेनिफिट मिल रहा है आपको? लॉयल्टी बेनिफिट मतलब आप किसी शॉप से रेगुलर परचेस करते हो 6 महीना 1 साल के लिए, तो क्या वो लॉयल कंज्यूमर का हमें बेनिफिट दे रहा है?
अपने आप से पूछिए, अपने घर वाली जो भी मतलब आपकी पत्नी है उनको पूछिए, अगर आप पत्नी हो तो आपको खुद को पता है क्या कोई शॉपकीपर हमें ये बेनिफिट दे रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में ऐसा कोई नहीं जो हमें लॉयल्टी का बेनिफिट दे। यस, फोर्थ बेनिफिट है प्रॉफिट शेयरिंग। कोई भी शॉपकीपर आपको प्रॉफिट शेयर करने के लिए तैयार है। एक रुपए भी रह गया ना दोस्तों तो वो बोलता है एक रुपए रह गया आपका, बराबर है। आज ये हालत है। और ट्रांसपेरेंसी स्कीम में जो स्कीम्स कंपनियां देती है, जो शॉपकीपर हमें बताते हैं या एडवर्टाइजिंग में हम देखते हैं कि किसी शॉप में आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा। यस, कितने लोगों को ये गोल्ड कॉइन मिला है आजकल? मेरे घर पर तो नहीं आया, आपके घर पर आया तो बता, किसी के पास नहीं आया, बराबर है। अभी यहां पे देखते हैं नए शॉप में क्या होगा। नए शॉप में ये होगा कि आप अभी किसी दुकान वाले से नहीं ले रहे हो, किसी शॉपकीपर से नहीं ले रहे हो, किसी मॉल से नहीं ले रहे हो, आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो 60-70% है ये कंपनी आपको अलग अलग तरह से दे रही। पहला बेनिफिट होगा आपको रिटेल डिस्काउंट। जब भी आप परचेस करने जाओ तो हर प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट में मिलेगा। यस, 10-20% का रिटेल डिस्काउंट है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, जब भी आप परचेस करते हो, मानो कि आज मैं ये महीने में मेरे घर पर 10,000 का सामान लगा, तो ये 10,000 का जब मैं सामान परचेस करूंगा तो मुझे 1,000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा दोस्तों। ये दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट देखिए, लॉयल्टी बेनिफिट। यस दोस्तों, ये लॉयल्टी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप रेगुलर 4 महीना, रेगुलर 4 मंथ्स आप आपके घर का खर्चा अगर यहाँ से करते हो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से, तो 5th मंथ में आपको उतने ही अमाउंट का प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। मतलब करीबन 1 महीने का प्रोडक्ट जो है हमारे घर में फ्री आएगा। यस, और इसकी डिटेल में जानकारी आपको जिस व्यक्ति ने बुलाया है उनके साथ बैठ के आप ये जानकारी ले सकते हो। आगे चलता हूं। प्रॉफिट शेयर, यहाँ पे आपको हर जो मैन्युफैक्चर है हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको 5-11% का प्रॉफिट शेयर करता है। आप इसको कैशबैक भी कह सकते हो, जो आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में आने वाला है। यस दोस्तों, और हर स्कीम में आपको ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी दोस्तों। यस, हर स्कीम में ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी दोस्तों। और ये आप जानोगे जब आप एंटर करोगे तो आपको पता चलेगा यार, यस इसको मिला, मेरे को मिला, उसको मिला। ये स्कीम्स चलते रहते हैं जो कंपनी हमारे लाइव हमारे सामने उसका ड्रॉ निकालती है। यस, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं कहूंगा दोस्तों, आप आज भी सोप यूज कर रहे, बराबर है। सोप तो हर किसी को यूज करना ही है, लेकिन आपके सोप से आपको क्या मिल रहा है? क्योंकि मार्केट से तो बेनिफिट मिलने से रहे, तो सिर्फ क्या मिल रहा है, झाग मिल रहा है दोस्तों। मार्केट के जो भी सोप्स हम यूज कर रहे हैं उससे सिर्फ हमें झाग मिल रहा है, झाग, मराठी में उसको फेस कहते हैं, बराबर है। लेकिन मैं जो सोप यूज करता हूं वो सोप से मेरे घर पर आई है चमचमाती नई कार। तो आप कौन सा सोप यूज करना चाहोगे, जो सोप हमारे सपने पूरे करे वो, या सिर्फ झाग दे वो? चॉइस आपकी है दोस्तों, बराबर है। तो ये डिफरेंस होंगे आपके लाइफ में, कितना परसेंट का बेनिफिट होगा। देखिए 10-20% अप्रॉक्स में पकड़ता हूं, 15% रिटेल डिस्काउंट मिला आपको, 10% के फ्री प्रोडक्ट, 20% का लॉयल्टी बेनिफिट, और मिनिमम आपको 5% प्रॉफिट शेयर होने वाला है। अगर आप टोटल करते हो तो ये टोटल होगी दोस्तों 50% अप्रॉक्स। सिर्फ शॉप चेंज किया है अभी और कुछ नहीं किया आपने। आपका जिस दुकान से सामान ला रहे थे उस जरिए को चेंज करके नए दुकान से लाना स्टार्ट किया, आपको 50% का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया। यस, थोड़ा आगे चलते हैं। ये कौन है जो हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रही है दोस्तों? इस कंपनी का नाम है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यस, ये कंपनी हमें मदद कर रही है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और इस कंपनी की हिस्ट्री देखिए, 2004 से शुरुआत हुई दोस्तों, आज करीबन 17 साल पूरे हुए हैं अभी इस महीने में 2 जून को। आज 3,000 से ज्यादा का एनुअली टर्नओवर कर रही कंपनी, और 350 से ज्यादा खुद के प्रोडक्ट्स है जिसमें होम केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन, ब्यूटी, एग्रीकल्चर, हर किस्म के गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक लगने वाले सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते हैं। 1,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको वेस्टेज बेस्डील प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, जहां से आप आपके घर की ग्रोसरी ले सकते हो दोस्तों, ग्रोसरी। यस, 6,000 से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स है जहां पे आप खुद जाके परचेस कर सकते हो, और मोबाइल एप्लीकेशन भी है जहां से आप ऑनलाइन में भी परचेस कर सकते हो, आपको बिना घर से बाहर जाए हुए आपके घर पर सामान आ जाए। यस, और 3,000 से ज्यादा ट्रेनिंग्स और फंक्शंस कंपनी आप हमारे लिए कर रही है, जिसके करते हम एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते। और ये दोस्तों ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। यस, इंडिया के अलावा आप नेपाल, बांग्लादेश, बहरीन, दुबई, सऊदी, ओमान, कुवैत, थाईलैंड, घाना, ऐसे कई सारे कंट्रीज में आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो।
यस, आज वर्ल्ड रैंकिंग की अगर बात करें तो वर्ल्ड में जो टॉप 100 कंपनियां है उसमें ये कंपनी पिछले 4 सालों से, और आज का इस कंपनी का रैंक 36। सोचिए दोस्तों, इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो ये टॉप 100 में पिछले 4 सालों से है और आज 36 रैंक पर है, दूसरी नजदीक में भी नहीं। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है इसमें पिछले 4 सालों से नंबर 1 पोजीशन पे टिका है। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमें विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस करने का मौका देती है दोस्तों। यस, और कंपनी के को फाउंडर है, यस फाउंडर है गौतम बाली जी, और को फाउंडर है कन्वरबीर सिंह और दीपक सूद जी, और ये तीनों ने मिलकर 2004 में इस कंपनी की शुरुआत की। आप ऐसे अपना हर एक कंट्री में नेटवर्क बढ़ा सकते हो, आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो, और साथ साथ आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को और कंपनी को अवार्ड्स और सर्टिफिकेट जो मिले हैं वो देख सकते हो, और ये सर्टिफिकेट्स की वजह से आज दुनिया भर में ये कंपनी जा रही है। कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, होम केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन, ब्यूटी, एग्रीकल्चर, ग्रोसरी, सभी कुछ आपको एक ही शॉप में मिलेगा। यस, क्या कैसे स्टार्ट करेंगे, सबके मन में सवाल होगा अभी करना क्या है वो बताइए। यस, बिल्कुल भी विदाउट इन्वेस्टमेंट आप ये फॉर्म फिलअप करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। यस, कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनके साथ आप कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट शेयर करते हो तो आपके बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। यस, उसके साथ में देखिए, जैसे आज हम किसी ना किसी को रेफर कर रहे तो यही रेफर का बेनिफिट हम पैसा कमाने में कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। आज मार्केट में जितने भी एप्लीकेशन से या किसी को भी हम रेफर करते तो उसका बेनिफिट हमें 1 टाइम होता है दोस्तों, बराबर है, लेकिन यहाँ पे वेस्टेज हमें लाइफ टाइम बेनिफिट देती है। ये कैसे लाइफ टाइम देती है, अनलिमिटेड लोगों को कैसे शेयर करना है ये हम बात करेंगे। इसमें करना क्या है, आपका प्रोफेशन, आप अगर जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो उसको डिस्टर्ब किए बिना, आप अगर स्टूडेंट हो तो भी आप उसको डिस्टर्ब किए बिना आप इस बिजनेस को कर सकते हो। यस, सिंपल, आज तक आप प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, सिर्फ हमें प्रोडक्ट चेंज करने, ब्रांड चेंज करना है, और ये ब्रांड चेंज करने के बाद आपको अगर वेस्टेज के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते, अच्छे तो लगेंगे, क्यों, क्योंकि कंपनी हमें ऑलवेज 100% गारंटी के प्रोडक्ट देते, तो ये गारंटी लेके हम इस बिजनेस को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। शेयर किस में करना है, हमारे जो भी कॉन्टेक्ट है, आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, हम सभी कॉन्टेक्ट में ये शेयर कर सकते हैं। यस, अभी देखिए आप करके मैंने जो फोटो रखा है इसमें आप खुद को इमेजिन कीजिए, आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप डायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़ जाते हो और वेस्टेज जो भी सामान आएगा आपका वो वेस्टेज से आएगा, और उसके साथ में राइट साइड में देख रहे हो आप विनिंग टीम। यस दोस्तों, आज आपके सामने अगर मैं बैठा हूं तो ये सिस्टम की वजह से बैठा हूं, क्योंकि विनिंग टीम ने मुझे आज बनाया। यस, आज अगर मेरा प्रोफेशन देखा जाए तो मैं बताऊंगा, लेकिन प्रोफेशन से आज यहां से मैं उठ के आया और इसकी वजह है विनिंग टीम, क्योंकि विनिंग टीम एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इस बिजनेस को करने के लिए मदद करती है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको अकेले करना पड़ता है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भी अकेले करना पड़ता है, या कुछ पार्टनर्स के साथ करते हैं, लेकिन काम तो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे विनिंग टीम हमारे साथ है और वो सपोर्ट सिस्टम है हमें कि ये यूज करके हम बहुत बड़ा बिजनेस बड़ा कर सकते। यस, देखिए कैसे होगा, सबसे पहले तो जो भी आपके पर्सनल कंजम्पशन है वो तो आप करने ही वाले हो, तो वो दुकान में करने के बजाय यहाँ पे करते हो तो दुकान में से तो क्या बेनिफिट मिलता है आप सबको पता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बताया कि क्या बेनिफिट मिलने वाला है शॉप चेंज करके, तो आपको 50% का बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपका पर्सनल कंजम्पशन कितना भी हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, तो किसी का सेम नहीं है कि यस लिमिटेड हर एक के घर में जा रहा है, अलग अलग खर्चे। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर पकड़ता हूँ कि 3,000 रुपये, ये 3,000 रुपये का खर्चा तो हर घर में हो रहा है, तो ये 3,000 रुपये का खर्चा अगर मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ दोस्तों, तो आप सोचिए कि 3,000 में से 50% मुझे बेनिफिट मिला, और आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है ये बेनिफिट अगर आपको अच्छा लगा और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगी तो आप कितने लोगों को शेयर करना पसंद करोगे। यस दोस्तों, जब भी मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तो मुझे भी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जब पसंद आई तो मैंने लोगों को शेयर करना पसंद किया और आज बड़े मुकाम पे पहुंच गया। यस, ऐसे करके आप भी पहुंच सकते हो। देखे कैसे, एक एग्जाम्पल, आपने शुरुआत में 50 लोगों को बताया और वो 50 लोगों में से 10 लोगों ने भी आपके साथ में आए और उन्होंने भी दुकान चेंज की, तो उनका जो कंजम्पशन है हर एक का, मैं अप्रोक्स में पकड़ रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे 3,000 रुपये, तो उनका भी मैंने 3,000 रुपये पकड़ लिया, तो 10 लोग अगर 3,000 का टर्नओवर कर रहे तो आपका टर्नओवर बन गया दोस्तों 30,000।
ऐसे करते आपका टर्नओवर बढ़ेगा और आपकी पार्ट टाइम इनकम जनरेट होगी। यही काम अभी देखिए 30,000 टर्नओवर करने के लिए मुझे कहीं पे दुकान डालनी पड़ी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी को काम पे रखना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी का लाइट बिल भरना है, नहीं। मुझे रेंट देना, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी नहीं लगता इस बिजनेस का। यूज करो, अच्छा लगे रेफर करो, और रेफर करते जाओगे आपका बेनिफिट बढ़ता जाए। और यही जो 10 लोग आपके साथ आए हैं, इनको भी गाइडेंस करिए, इनको भी मदद करिए। आप अकेले नहीं हो, पूरी सिस्टम आपके साथ में है। और आप ऐसे करके काम करोगे तो आपका 10 लोगों का नेटवर्क आने वाले समय में 100 लोगों का हो सकता है। और ये 100 लोगों के नेटवर्क आपका टर्नओवर बढ़ाएगा, 3 लाख रुपए का टर्नओवर होगा दोस्तों। और ये 3 लाख रुपए का टर्नओवर जब होगा तो आपकी पार्ट टाइम इनकम 25,000 से 30,000 रुपए बनेगी। आप सोचिए कि पार्ट टाइम आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर अगर आपके घर में 25,000 से 30,000 रुपए इनकम आती है तो कितना बड़ा बदलाव आपके अंदर होगा, आपके घर में होगा। यस, बहुत सारा बदलाव हो सकता है पार्ट टाइम में अगर 25,000 से 30,000 रुपए आना स्टार्ट होगा तो। थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो 100 लोगों का अभी आपने नेटवर्क बनाया है, आप उनको भी गाइडेंस करते हो, कोई उनका नेटवर्क बढ़ाने के लिए मदद करते हो, तो आपका आने वाले समय में वो 10-10 लोगों का भी नेटवर्क बढ़ाने के लिए मदद करोगे तो आपका 1,000 लोगों का नेटवर्क बनेगा। और ये 1,000 लोगों का नेटवर्क हर महीने उनके घर में लगने वाला खर्चा करते ही रहेंगे, और ये खर्चे से आपका टर्नओवर बनेगा 30 लाख रुपए का। और जब 30 लाख रुपए का टर्नओवर बनेगा आने वाले 1 से 2 साल 3 साल के अंदर, तो आपकी इनकम करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की होगी पार्ट टाइम। यस दोस्तों, पार्ट टाइम में 2 से 3 साल के अंदर अगर आपकी 2.5 से 3 लाख रुपए इनकम बनती है तो कितना बड़ा बदलाव हमारी जिंदगी में आ सकता है, इसके बारे में सोचिए दोस्तों। क्योंकि आज हम देख रहे बहुत सारे लोगों का इनकम जो है 5 लाख 10 लाख रुपए है। यस, तो आप भी ऐसी बड़ी रकम इस बिजनेस से कमा सकते हो बिल्कुल भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। यस, क्योंकि हमें ये कंपनी 10 प्रकार का इनकम देती है दोस्तों। देखिए 10 से 20% का रिटेल डिस्काउंट है, 5 to 11% का आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलने वाला है जो कैशबैक आपके अकाउंट में आएगा। उसके साथ आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है 4% का, उसके साथ बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलता है 14% का, टीम बिल्डिंग बोनस 2% का, ट्रैवल फंड 3%, लीडरशिप बोनस आपको 16%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3% और इलाइट क्लब फंड आपको मिलता है 2%। यस दोस्तों, ये सारे 10 प्रकार के फंड आपको मिलने वाले। यस, और इस महीने कंपनी को 17 साल पूरे हुए, इसके बदौलत कंपनी ने ये कुछ ऑफर्स दिए हैं। जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उनके साथ बैठ के ये ऑफर समझ लीजिए और इस ऑफर्स के साथ में आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। क्या होगा आने वाले 2 से 3 साल के बाद आपके लाइफ में? तो आने वाले 2 से 3 साल के बाद आपके लाइफ में ये बदलाव होगा कि आप लेफ्ट साइड से राइट कॉर्नर में आओगे। कैसे आओगे? जो प्रोडक्टिविटी आपकी 10 से 12 घंटे की थी, वो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? अभी आपने आपका खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और ये ऑर्गेनाइजेशन 1,000 लोगों का है, तो हर व्यक्ति अगर 2 घंटे भी काम करेगा तो आपके लिए 2,000 घंटे का समय हो गया। तो आपने जो 24 आवर्स का बैरियर था वो सबसे पहले तोड़ दिया, आपका टाइम डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो गया, आपका मैन पावर डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो गया। यस, दूसरा पैटर्न जो आपका सेल्फ एबिलिटी पैटर्न था, खुद काम करेंगे तो पैसा था, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं था, वो पैटर्न आज चेंज हो गया, सिस्टम जनरेटेड हो गया। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपने क्या किया है, 1,000 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और ये 1,000 लोग, 1,000 लोगों में से आप खुद को माइनस कर लीजिए तो बचते हैं 999 लोग। क्या ये 999 लोग आप नहीं हो? ये नहाना धोना बंद कर सकते हैं आप ना होने की वजह से? बिल्कुल भी नहीं। वो तो उनका खर्चा करते रहेंगे क्योंकि हर घर में खर्चा होने ही वाला, बराबर है दोस्तों? इसी खर्चे को हम चर्चा में बदल देंगे तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। सोर्स ऑफ इनकम की अगर बात करें तो जो 2 से 3 इनकम सोर्सेस हमारे घर में है या 2 से 3 इनकम सोर्सेस है, तो उससे हम मल्टीपल इनकम सोर्सेस में जा सकते हैं। आज जैसे येवले बन गया है, वैसे हम एक येवले के मालिक बन सकते हैं। जैसे ओला है, वैसे ओला के मालिक बन सकते हैं। जैसे फेसबुक है, वैसे फेसबुक के मालिक बन सकते हैं। तो क्या आप अमीर बनना चाहते हो? क्या आप आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो? तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा विदाउट इन्वेस्टमेंट। यस, और आने वाले जो 2 से 3 साल या 5 साल के बाद आपका स्वागत करता हूं मैं राइट क्वार्टर में एज अ सेलिब्रिटी, क्योंकि आपको हर साल 2 बार फॉरेन ट्रिप्स मिलने वाली है ट्रैवल फंड से, कार फंड से आपको कार ले सकते हो, आपकी मनपसंद कार ले सकते हो। आज बहुत सारे लोगों ने अपने मनपसंद कार लिए, मैंने भी लिए, आपने देखा। साथ साथ बहुत सारे लोगों ने घर का सपना भी पूरा किया है, 1,000 से ज्यादा लोगों ने घर का सपना पूरा किया है दोस्तों। आप सोचिए, जो भी घर का सपना है आपका, बंगलो बनाना है, फार्म हाउस बनाना है, जो भी है, यहाँ से पूरा हो सकता है। उसके साथ साथ मैं सारे लेडीज का यहाँ पे स्वागत करूंगा, वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट।
और इस वुमन एम्पावरमेंट से आप एक आपकी पहचान बना सकते हो, यस आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और आज हमने जो प्रेजेंटेशन देखा, ये ग्लोबल बिजनेस प्रेजेंटेशन था, आप इंटरनेशनल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म हमें दे रहा है वेस्टिज, और उसके साथ साथ जो एजुकेशन चाहिए उसके लिए हमारे पास है विनिंग टीम सिस्टम। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपने साथ में ले लिया तो आपके सक्सेस होना ही होना है, यस नो डाउट। उसके लिए ये कुछ एग्जांपल्स है, आप देख सकते हो कि जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत कुछ सालों पहले शुरुआत की और आज वो अपने अपने लाइफ में सक्सेसफुल है। ऊपर में देख रहे हो आप एसपी वारन सर एंड फैमिली है, जो विनिंग टीम के चीफ मेंटर है, जिन्होंने 2015 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज करीबन उनका इनकम जो है 50 लाख से ऊपर का इनकम वो महीने का अर्न कर रहे हैं, और आज लाइफस्टाइल देख सकते हो आप। ये हमारे मित्र है जो हमें गाइडेंस करते हैं, पूना से बिलोंग करते हैं, नीचे जो देख रहे हो आप एकनाथ कुंभर एंड संगीता कुंभर, ये और ये आज इस बिजनेस से 3 लाख से ऊपर का इनकम महीने का ले रहे। ये और एक हमारे दोस्त है श्री सेबेस्टियन सर, आज आप देख सकते हो कि कारफंड की वजह से इन्होंने अपने बेटी को ये कार गिफ्ट की है, यस। और मुझे भी इंटरनेशनल बिजनेस बिल्ड करने के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे। आज मेरा भी बिजनेस करीबन 5 कंट्री में है, और वो 5 कंट्री में बढ़ाने के लिए श्री सर का बहुत बड़ा हाथ है, यस। और आप देख रहे हो आपकी सिग्नेचर, आप चाहते हो कि आने वाले समय में ऑटोग्राफ में चेंज हो जाए, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आप देखिए वहां पे श्री सर किसी को ऑटोग्राफ दे रहे हैं, आप चाहते हो ऐसा आपके लाइफ में, यस। आप नीचे में देख रहे हो साधना ताई, जिन्होंने 2.5 साल पहले इस बिजनेस का करने का डिसीजन लिया, और आज 2.5 लाख से ऊपर का इनकम है, और कार फंड से कार भी अचीव कर ली, यस। ये दोस्त है मेरे मकरंदन अश्विनी, जिन्होंने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई। आप सोचिए कि अगर इन्होंने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई होती तो आज मेरे लाइफ में इतना बदलाव नहीं होता दोस्तों। तो ये बिजनेस जो है दोस्तों, ये सपने पूरे करने का बिजनेस है। आज मकरंद सर उनके भी सपने पूरे कर रहे हैं और मेरे भी सपने पूरे करने में उनका बड़ा। क्या आप चाहते हो आप अकेले सक्सेसफुल न होते हुए आपके दोस्त रिश्तेदार उनको भी आप सक्सेसफुल करें, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि मकरंद सर का आज 2 लाख से ऊपर का इनकम है, और साथ साथ आप देखते हो ये 25 लाख की टाटा हैरियर गाड़ी उन्होंने आज परचेस कर ली है कारफंड से। ये मेरे फोटो देख सकते हो, इस बिजनेस में आने से पहले मैं ऑटो भी चलाता था, मेरे और भी 4 से 5 कारें थी जो मैं कॉल सेंटर में, ओला में, अलग अलग कॉल सेंटर्स में भी चलाता था, कंपनियों भी कॉन्ट्रैक्ट में देता था, और मेरी किराने की दुकान भी थी, मेरे कार वॉशिंग सेंटर भी था। ये इस बिजनेस से मैं आता हूँ दोस्तों, लेकिन आज थैंक गॉड मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने वो सारे बिजनेसेस मेरे बंद कर दिए। आज फुल टाइम वेस्टेज करता हूँ, और यहाँ पे एक रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। क्योंकि जब मैं स्टार डायरेक्टर बना था तब मुझे ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो वो ट्रॉफी भी मिली थी, और ये ट्रॉफी मुझे 10,000 लोगों के सामने मिली। तो क्या आप चाहते हो ऐसा रिकॉग्निशन पाना, अपने अपने साथ साथ अपने वाइफ को, अपने फैमिली को रिकॉग्नाइज करना, तो ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कर कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा, यस दोस्तों। ऐसा कुछ काम करिए कि जिससे आने वाले आपके दोस्त रिश्तेदार उनके लाइफ में भी आप कुछ बदलाव ला सके, और वो भी आपके जैसा करने के लिए रेडी हो जाए, यस। सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा, टाइम हो गया है, लेकिन जाते जाते 3 सवाल पूछूंगा मैं आपसे। अगर आपने आज जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया, इस बिजनेस को नहीं किया, आपने ये नहीं किया, तो दूसरा कोई ऑप्शन है आपके पास जो आपको एक सिक्योरिटी इनकम दे, जो आपकी लाइफ में बदलाव लाए या आपको सक्सेस तक लेके जाए? अगर जवाब ना आए दोस्तों, तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मना मत करें, यस। दूसरा सवाल पूछूंगा दोस्तों कि अगर आपने इस बिजनेस को किया और आप अनसक्सेसफुल हुए, आप उतना बड़ा बिजनेस नहीं कर पाए, तो क्या होगा आपके लाइफ में? हमने कितना इन्वेस्ट किया इस अपॉर्चुनिटी में? 0, कोई रिस्क बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज हम जिस दुकान से ला रहे हैं वो तो हमें कुछ भी नहीं दे रहा है, और यहां से हम ला रहे हैं तो फायदा ही फायदा है। आपको 50% का तो बेनिफिट मिल रहा है, और क्वालिटी गारंटेड मिल रही, तो ये दोनों बेनिफिट है आप बराबर है। बिजनेस नहीं चला तो भी हम खुद यूज करके हमारा बेनिफिट तो है ही। लेकिन तीसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं दोस्तों, अगर आपने इस बिजनेस को किया और आने वाले 2 से 3 साल विनिंग टीम सिस्टम के साथ में, और आपको जिस व्यक्ति ने बुलाया है उनके टीम के साथ में आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया, तो क्या होगा दोस्तों? और वो बिजनेस बिल्ड करने के बाद अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो क्या होगा? यस, आप अगर 2 से 3 साल इस बिजनेस को बिल्ड करते हो विनिंग टीम के साथ में और आप सक्सेसफुल होते हो, तो आपके सारे सपने यहां से पूरे हो सकते हैं, आपके फैमिली के सारे सपने यहां से पूरे हो सकते हैं,
यस, इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में बस एक ही आदमी है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, वो है आप खुद। तो डिसीजन लीजिए दोस्तों इस बिजनेस को करने का और अपने साथ साथ अपने फैमिली के सपने पूरे करने का। यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, विश यू वेल, कम एंड जॉइन अस बैक टू होस्ट।